भैया मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे आप तो, अगर नावल टीम में भी खेलते कहीं और बिल्कुल फर्स्ट आदमी अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. And if you guys can survive without Indian cricket, do it. Meri darkhast hai modbana hukumat e bahar se ke jang ko jang ke maidan tak hi rakhiye, isko khel ke maidan mein lekar na aaiye. Unhone bataya ki Asian Cricket Council mein sabka ek barabar paison ka chunk hota hai, lekin India usme se kuch nahi leta, wo baaki Asian countries mein wo sara kuch distribute kar deta hai. Aur saath unhone ye kaha ki Asia Cup jayega bhi neutral venue mein aur Pakistan aayega bhi 50 over World Cup khelne. अब वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये सारी बातचीत की है, और फिर एक उनके बोर्ड के ही मेंबर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी यही बात की है कि एशिया कप भी जाएगा और पाकिस्तान भी आएगा वर्ल्ड कप खेलने। फेवरेट कौन है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर? ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया बेसिकली और इंडिया, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान जो प्लेयर्स हैं आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो वो शॉर्ट पिचेस मतलब शॉर्ट बॉल पे फंसते हैं, हर कोई आउट हो जाता है क्योंकि उस तरह से हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस इस तरह नहीं है। ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, क्योंकि वहाँ पे मैचेस ऑस्ट्रेलिया का मे बी अपना होम ग्राउंड है और इंडिया बहुत सारे मैचेस वहाँ पे खेल चुकी है, तो बहुत अच्छा मैच होगा लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल का दुश्वार होगा उनको। बाकी कोई ऐसे दो खतरनाक प्लेयर इंडिया की जानिब से जो टफ टाइम देंगे पाकिस्तान? द नंबर वन किंग कोहली बहुत, वो इंशाल्लाह आगे, बाकी आजम मेरा बहुत प्लेयर है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो आगे इंशाल्लाह बेहतरीन करेगा क्योंकि एक दुआ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा बाबर आजम के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा क्रिकेट में यू नहीं होता कि ऐसा वो इंडियन है तो हमारे अगेंस्ट है, हमें क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे चाहे वो दुश्मन वो आपस में पॉलिटिक्स वगैरह वो होती रहती है लेकिन ऐसा क्रिकेट हमें क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए ऐसा मतलब। और एक हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर बहुत बड़ा हिटर है और इस जैसा प्लेयर पाकिस्तानी टीम के पास बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने, आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहाँ पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम, आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो मत खेलो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर T20 वर्ल्ड कप को लेकर बातें हो रही हैं और दो तीन दिन पहले जय शाह के एक बयान ने भी पाकिस्तान मीडिया में तहलका मचा दिया था जिसमें जय शाह ने कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस न्यूज़ से पूरे पाकिस्तान में से एक तहलका सा मचा रखा है। कुछ पाकिस्तानी टीवी एंकर रमीज रजा से भी मांग कर रहे हैं कि इंडिया को टिट फॉर टैट में जवाब दिया जाए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी 2023 में इंडिया में होने वाले 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में नहीं भेजना चाहिए। अब इन टीवी एंकर के पेट में कीड़ा सा उठ रहा है, साथ साथ में कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इसमें शामिल हैं, वो इंडियन क्रिकेटर से इस बारे में रिएक्शन जानना चाहते हैं तो उन्होंने गलती से हरभजन सिंह को एक पाकिस्तानी टीवी शो में बुला लिया। हरभजन सिंह ने साफ कह दिया कि आप इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में अपनी टीम भेजो या ना भेजो, आपकी मर्जी है, इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी टीम भेजते हो या नहीं भेजते हो। हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के तोते उड़ा के रख दिए। इस शो में टीवी एंकर की एक झूठी सी गंदी वाली स्माइल और दिख रही है, तो चलिए आप पूरा वीडियो आगे देखिए। वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसमें भी कैसे इतने आराम से आ जाएंगे? आप मेरी बात सुनिए, देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने, आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम, आप नॉट खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो मत खेलो, नहीं तो वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है, वी डोंट फील सिक्योर, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं आप लोगों के साथ। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। आईसीसी में सिक्योरिटी इट इज नॉट अबाउट ईगोस, यू टेल मी, यू टेक द गारंटी कि आप कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हां तो नहीं आएंगे आपका, अगर कि नावर टीम में भी खेलते कहीं और बिल्कुल फर्स्ट आदमी, इंडियन अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान, एंड इफ यू गाइस कैन सर्वाइव विदाउट इंडियन क्रिकेट डू इट। इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पाकिस्तान से वो बायलैटरल तो खेलते नहीं, पाकिस्तान का आना या पाकिस्तान का उधर जाना जो है वो भी इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं आता, और पाकिस्तान जब भी जाता है किसी वर्ल्ड इवेंट के लिए किसी मेजर इवेंट के लिए चला जाता है। अब इस पॉलिसी में कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हैं कि कबड्डी का वर्ल्ड कप हो तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है, और टीमों की जो और गेम्स के अंदर इवेंट्स होते हैं उसमें उनकी कुछ टीमें पाकिस्तान में जाती हैं, कुछ पाकिस्तान की टीमें भी उधर जाती हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी बड़ी वाजे और बड़े अच्छे से है, मेरे लिए तो ये सरप्राइज नहीं है। लेकिन यह है कि इक्वल टर्म्स की हम बात करते हैं, लेकिन हम इक्वल टर्म्स की बात करते हुए शायद इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आज उनके जो एक प्लेयर है आकाश चोपड़ा अपना बड़ा वो वीलॉग करते हैं क्रिकेट के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में सबका एक बराबर
पैसों का चंक होता है, लेकिन इंडिया उसमें से कुछ नहीं लेता, वो बाकी एशियन कंट्रीज में वो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और साथ उन्होंने ये कहा कि एशिया कप जाएगा भी न्यूट्रल वेन्यू में और पाकिस्तान आएगा भी 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने। अब वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये सारी बातचीत की है, और फिर एक उनके बोर्ड के ही मेंबर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी यही बात की है कि एशिया कप भी जाएगा और पाकिस्तान भी आएगा वर्ल्ड कप खेलने। सो आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस, या वो अपने फाइनेंशियल मसल और इन्फ्लुएंस जो उनका है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जो कि है सबको पता है, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो आई डोंट नॉट नो कि पीसीबी के पास क्या स्ट्रेटेजी है। आकाश चोपड़ा साहब उनके एक पुराने प्लेयर है, आकाश चोपड़ा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तो भेजेगा ही भेजेगा, हमारे लिए तो ACC कुछ भी नहीं है, हम तो पैसे भी नहीं रखते, हम तो ममालिक में बांट देते हैं, हम तो मकसद तकब्बुर का आलम देखें कि ACC तो एशियन क्रिकेट हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती है, इसीलिए वो 33 पावर जो बने हुए थे, जो सुपर थ्री जो बने हुए थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने उनका साथ दे दिया था। लेकिन आपकी सूरत हाल डिफरेंट है। एक तो कमजोरी ये भी है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अपनी साख को जो माजी में हुआ करती थी वो उस तरह बचा नहीं सके, मुजम्मिल भाई जो एक नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह का वो बात कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स तो यही बात कर रहे हैं कि भाई हमें इंडिया से ताल्लुकात मुनकता कर देने चाहिए क्रिकेटिंग, और हमें अपना एक इंस्टेंस जो सादिक भाई ने कहा कि ले लेना चाहिए कि आप नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आएंगे, आप क्या कहते हैं? एक तो सबसे पहली मेरी दरख्वास्त है मौदबाना हुकूमत भारत से कि जंग को जंग के मैदान तक ही रखिए, इसको खेल के मैदान में लेकर ना आइए, क्योंकि ये खेल क्रिकेट डिप्लोमेसी कहलाती थी। खेल का मैदान एक ऐसी जगह होती है कि जहां पर आप मुख्तलिफ कौमों को जोड़ते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों को जोड़ते हैं, और यकीन कीजिए कि प्लेयर्स हों या सिंगर हों या कोई भी अदाकार हों, आप देखिए कि जितना वो भारत में मशहूर होता है उतना ही पाकिस्तान में मशहूर होता है, जितना वो पाकिस्तान में मशहूर होता है उतना ही वो भारत में मशहूर है। यू नेम इट, आप विराट कोहली को ले लीजिए, जिस तरीके से हम सर पाकिस्तान में एक बड़ा फैन क्लब, बहुत बड़ा फैन क्लब